बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में। 11वां दिन 11 मुहर्रमुल हराम। नंबर 1 इस्लामी तारीख। हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के 1000 बरस तक लोग अल्लाह ताला की तौहीद पर कायम थे। फिर बाज नेक बंदों के इंतकाल के बाद लोगों ने उनके मुजस्समे बना लिए और धीरे धीरे उनकी पूजा शुरू हो गई। इस तरह पूरे अरब व अजम में शिर्क व बुतपरस्ती की बुनियाद पड़ गई। जब लोग अल्लाह ताला की इबादत छोड़कर शिर्क व बुतपरस्ती में मुबतला हो गए तो उनकी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी व रसूल बनाकर भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का शुमार दुनिया के अजीम तरीन अंबिया में होता है। वो सबसे पहले नबी और रसूल हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की तीसरी पुश्त में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के 1025 साल बाद दजला व फुरात की वादी के दरमियान मुल्क इराक में पैदा हुए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 43 मकाम पर उनका तस्किरा फरमाया है। नंबर 2 अल्लाह की कुदरत। बादल। अल्लाह ताला तेज हवाओं के जरिए बिखरे हुए बादलों को फिजा में जमा करके एक दूसरे से मिला देता है, फिर उन बादलों को बर्फ के पहाड़ों की शक्ल दे देता है जिनकी मोटाई सैकड़ों फिट हो जाती है। उन बिखरे हुए बादलों को बर्फ के पहाड़ों की शक्ल में जमा करना और भारी बादलों को फिजा में रोके रखना, फिर कभी उनको ओलों की शक्ल में गिराकर जमीन पर तबाही मचा देना और कभी पानी की शक्ल में बरसाकर पेड़ पौधों का उगाना, अल्लाह ताला की कुदरत की कितनी बड़ी निशानी है। नंबर 3 एक फर्ज के बारे में। बीवी की वरासत में शौहर का हिस्सा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों के छोड़े हुए माल में से आधा हिस्सा है जबकि उनकी कोई औलाद न हो, और अगर उनकी औलाद हो तो तुम्हारी बीवियों के छोड़े हुए माल में चौथाई हिस्सा है। तुम्हें ये हिस्सा उनकी वसीयत और कर्ज अदा करने के बाद मिलेगा। नंबर 4 एक सुन्नत के बारे में। वुजू का पानी खड़े होकर पीना। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि उनके वालिद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने वुजू किया और वुजू का बचा हुआ पानी खड़े होकर पिया। मैंने ताज्जुब किया, मुझे देखा और कहा कि ताज्जुब की क्या बात है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह करते हुए देखा है। फायदा, वुजू से बचा हुआ पानी और आबे जमजम खड़े होकर पीना सुन्नत है। नंबर 5 एक अहम अमल की फजीलत। शुक्रिया अदा करने की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के साथ भलाई का मामला किया गया और फिर उसने भलाई करने वाले को जज़ाकअल्लाहु खैरा कहा तो गोया उसने शुक्रिये का हक अदा कर दिया। नंबर 6 एक गुनाह के बारे में। झूठी गवाही शिर्क के बराबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठी गवाही अल्लाह के साथ शिर्क करने के बराबर है। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा इरशाद फरमाई। नंबर 7 दुनिया के बारे में। दुनिया को मकसद न बनाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स का मकसद दुनिया कमाना हो और वो उसी के लिए सफर करता हो, उसी का ख्याल दिल में रहता हो, तो अल्लाह ताला गरीबी और भूख का डर उसकी आंखों के सामने कर देते हैं, यानी हर वक्त उससे डरता है कि आमदनी तो बहुत कम है, क्या होगा, कैसे गुजारा होगा, और उसके औकात को उसी फिक्र में परेशान कर देते हैं, और मिलता उतना ही है जितना मुकद्दर में होता है। नंबर 8 आखिरत के बारे में। कयामत का जलजला। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लोगो,
اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اس زلزلے کو دیکھو گے تو یہ حال ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور تمام حمل والی عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی، اور تم لوگوں کو نشے کی سی حالت میں دیکھو گے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ تعالی کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بیماری سے بچنے کی تدبیر۔ حضرت جابر رضی اللہ